आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी मृतक भोज। सेठ रामनाथ ने रोगशैया पर पड़े पड़े निराशापूर्ण दृष्टि से अपनी स्त्री सुशीला की ओर देखकर कहा, मैं बड़ा अभागा हूँ शीला, मेरे साथ तुम्हें सदैव ही दुख भोगना पड़ा। जब घर में कुछ न था तो रात दिन गृहस्थी के धंधों और बच्चों के लिए मरती थी। जब जरा कुछ संभला और तुम्हारे आराम करने के दिन आए तो यों छोड़े चला जा रहा हूँ। आज तक मुझे आशा थी, पर आज वह आशा टूट गई। देखो शीला, रो मत, संसार में सभी मरते हैं, कोई 2 साल आगे, कोई 2 साल पीछे। अब गृहस्थी का भार तुम्हारे ऊपर है, मैंने रुपए नहीं छोड़े, लेकिन जो कुछ है उससे तुम्हारा जीवन किसी तरह कट जाएगा। यह राजा क्यों रो रहा है? सुशीला ने आंसू पोंछकर कहा, जिद्दी हो गया है और क्या, आज सवेरे से रट लगाए हुए है कि मैं मोटर लूँगा, 50 रुपए से कम में आएगी मोटर। सेठ जी को इधर उधर कुछ दिनों से दोनों बालकों पर बहुत स्नेह हो गया, बोले, तो मंगा दो न एक। बेचारा कब से रो रहा है, क्या क्या अरमान दिल में थे सब धूल में मिल गए। रानी के लिए विलायती गुड़िया भी मंगा दो, दूसरों के खिलौने देखकर तरसती रहती है। जिस धन को प्राणों से भी प्रिय समझा वह अंत को डॉक्टर ने खाया। बच्चे मुझे क्या याद करेंगे कि बाप था, अभागे बाप ने तो धन को लड़के लड़की से प्रिय समझा, कभी पैसे की चीज भी लाकर नहीं दी। अंतिम समय जब संसार की असारता कठोर सत्य बनकर आंखों के सामने खड़ी हो जाती है तो जो कुछ न किया उसका खेद और जो कुछ किया उस पर पश्चाताप मन को उदार और निष्कपट बना देता है। सुशीला ने राजा को बुलाया और उसे छाती से लगाकर रोने लगी। वह मात्र स्नेह जो पति की कृपणता से भीतर ही भीतर तड़प कर रह जाता था इस समय जैसे खौल उठा। लेकिन मोटर के लिए रुपए कहाँ थे? सेठ जी ने पूछा, मोटर लोगे बेटा? अपनी अम्मा से रुपए लेकर भैया के साथ चले जाओ, खूब अच्छी मोटर लाना। राजा ने माता के आंसू और पिता का यह स्नेह देखा तो उसका बाल हट जैसे पिघल गया, बोला, अभी नहीं लूँगा। सेठ जी ने पूछा, क्यों? जब आप अच्छे हो जाएंगे तब लूँगा। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। तीसरे दिन सेठ रामनाथ का देहांत हो गया। धनी के जीने से दुख बहुतों को होता है, सुख थोड़ों को। उनके मरने से दुख थोड़ों को होता है, सुख बहुतों को। महाब्राह्मणों की मंडली अलग सुखी है, पंडित जी अलग खुश हैं और शायद बिरादरी के लोग भी प्रसन्न हैं, इसलिए कि एक बराबर का आदमी कम हुआ, दिल से एक कांटा दूर हुआ। और पट्टीदारों का तो पूछना ही क्या, अब वह पुरानी कसर निकालेंगे। हृदय को शीतल करने का ऐसा अवसर बहुत दिनों के बाद मिला है। आज 5वां दिन है, वह विशाल भवन सूना पड़ा है, लड़के न रोते हैं न हंसते हैं, मन मारे माँ के पास बैठे हैं और विधवा भविष्य की अपार चिंताओं के भार से दबी हुई निर्जीव सी पड़ी है। घर में जो रुपए बच रहे हैं वे दाह क्रिया की भेंट हो गए और अभी सारे संस्कार बाकी पड़े हैं, भगवान कैसे बेड़ा पार लगेगा। किसी ने द्वार पर आवाज़ दी, महरा ने आकर सेठ धनीराम के आने की सूचना दी। दोनों बालक बाहर दौड़े, सुशीला का मन भी एक क्षण के लिए हरा हो गया। सेठ धनीराम बिरादरी के सरपंच थे, अबला का क्षुब्ध हृदय सेठ जी की इस कृपा से पुलकित हो उठा। आखिर बिरादरी के मुखिया हैं ये लोग, अनाथों की खोज खबर न ले तो कौन ले। धन्य हैं ये पुण्यात्मा लोग जो मुसीबत में दीनों की रक्षा करते हैं। यह सोचती हुई सुशीला घूंघट निकाले बरोठे में आकर खड़ी हो गई। देखा तो धनी राम जी के अतिरिक्त और भी कई सज्जन खड़े हैं। धनी राम बोले, बहू जी, भाई रामनाथ की अकाल मृत्यु से हम लोगों को जितना दुख हुआ है वह हमारा दिल ही जानता है। अभी उनकी उम्र ही क्या थी, लेकिन भगवान की इच्छा। अब तो हमारा यही धर्म है कि ईश्वर पर भरोसा रखें और आगे के लिए कोई राह निकालें। काम ऐसा करना चाहिए कि घर की आबरू भी बनी रहे और भाई जी की
आत्मा संतुष्ट भी हो। कुबेर दास ने सुशीला को कनखियों से देखते हुए कहा, मर्यादा बड़ी चीज है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, लेकिन कमली के बाहर पांव निकालना भी तो उचित नहीं। कितने रुपए हैं तेरे पास बहू? क्या कहा? कुछ नहीं सुशीला, घर में रुपए कहाँ हैं सेठ जी? जो थोड़े बहुत थे वह बीमारी में उठ गए। धनी राम, तो ये नई समस्या खड़ी हुई, ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए? कुबेर दास जी, कुबेर दास, जैसे हो भोज तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अपनी सामर्थ्य देखकर काम करना चाहिए, मैं कर्ज लेने को न कहूँगा। हाँ, घर में जितने रुपयों का प्रबंध हो सके उसमें हमें कोई कसर न छोड़नी चाहिए। मृत जीव के साथ भी तो हमारा कुछ कर्तव्य है। अब तो वह फिर कभी न आएगा, उससे सदैव के लिए नाता टूट रहा है, इसलिए सब कुछ हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। ब्राह्मणों को तो भोज देना ही पड़ेगा, जिससे कि मर्यादा का निर्वाह हो। धनी राम, तो क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बहू जी? 2-4 हज़ार भी नहीं? सुशीला, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसे समय झूठ बोलूँगी। धनी राम ने कुबेर दास की ओर अर्ध अविश्वास से देखकर कहा, तब तो यह मकान बेचना पड़ेगा। कुबेर दास, इसके सिवाय और क्या हो सकता है? नाक कटाना तो अच्छा नहीं, रामनाथ का कितना नाम था, बिरादरी के स्तंभ थे, यही इस समय एक उपाय है। 10 हज़ार रुपये मेरे आते हैं, सूद बट्टा लगाकर कोई 15 हज़ार रुपये मेरे हो जाएंगे, बाकी भोज में खर्च हो जाएगा, अगर कुछ बच रहा तो बाल बच्चों के काम आ जाएगा। धनी राम, आपके यहाँ कितने पर बंधक रखा था? कुबेर दास, 10 हज़ार रुपये पर, रुपए सैकड़े सूद। धनी राम, मैंने तो कुछ कम सुना है। कुबेर दास, उसका तो रहन नामा रखा है, जवानी बातचीत थोड़े ही है, मैं 2-4 हज़ार के लिए झूठ नहीं बोलूँगा। धनी राम, नहीं नहीं, यह मैं कब कहता हूँ, तो तूने सुन लिया भाई, पंचों की सलाह है कि मकान बेच दिया जाए। सुशीला का छोटा भाई संतलाल भी इसी समय आ पहुँचा, यह अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गया, बोल उठा, किस लिए मकान बेच दिया जाए? बिरादरी के भोज के लिए? बिरादरी तो खा पी कर राह लेगी, इन अनाथों की रक्षा कैसे होगी? इनके भविष्य के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। धनी राम ने कोप भरी आँखों से देख कर कहा, आपको इन मामलों में टांग अड़ाने का कोई अधिकार नहीं, केवल भविष्य की चिंता करने से काम नहीं चलता, मृतक का पीछा भी किसी तरह सुधारना ही पड़ता है, आपका क्या बिगड़ेगा? हंसी तो हमारी होगी, संसार में मर्यादा से प्रिय कोई वस्तु नहीं, मर्यादा के लिए प्राण तक दे देते हैं, जब मर्यादा ही न रही तो क्या रहा? अगर हमारी सलाह पूछोगे तो हम यही कहेंगे, आगे बाई का अख्तियार है, जैसा चाहे करे, पर हमसे कोई सरोकार न रहेगा। चलिए कुबेर दास जी, चलें। सुशीला ने भयभीत होकर कहा, भैया की बातों का विचार न कीजिए, इनकी तो यह आदत है, मैंने तो आपकी बात नहीं टाली, आप मेरे बड़े हैं, घर का हाल आपको मालूम है, मैं अपने स्वामी की आत्मा को दुखी करना नहीं चाहती, लेकिन जब उनके बच्चे ठोकर खाएंगे तो क्या उनकी आत्मा दुखी न होगी? बेटी का ब्याह करना ही है, लड़के को पढ़ाना लिखाना है ही, ब्राह्मणों को खिला दीजिए, लेकिन बिरादरी करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं। दोनों महान भावों को जैसे थप्पड़ लगी, इतना बड़ा अधर्म, भला ऐसी बात भी जबान से निकाली जाती है? पंच लोग अपने मुंह में कालिख न लगने देंगे, दुनिया विधवा को न हंसेगी, हंसी होगी पंचों की, यह जग हंसाई वे कैसे सह सकते हैं? ऐसे घर के द्वार पर झांकना भी पाप है। सुशीला रोकर बोली, मैं अनाथ हूँ, नादान हूँ, मुझ पर क्रोध न कीजिए, आप लोग ही मुझे छोड़ देंगे तो मेरा कैसे निर्वाह होगा? इतने में दो महाशय और आ बिराजे, एक बहुत मोटे और दूसरे बहुत दुबले, नाम भी गुणों के अनुसार ही, भीमचंद और दुर्बलदास। धनी राम ने संक्षेप में यह परिस्थिति उन्हें समझा दी। दुर्बलदास ने सहृदयता से कहा, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग मिलकर कुछ रुपए दे दें? जब इसका लड़का सयाना हो जाएगा तो रुपए मिल ही जाएंगे, अगर न भी मिले तो एक मित्र के लिए कुछ
बल खा जाना कोई बड़ी बात नहीं। संतलाल ने प्रसन्न होकर कहा, इतनी दया आप करेंगे तो क्या पूछना। कुबेरदास त्योरी चढ़ाकर बोले, तुम तो बेसिर पैर की बातें करने लगे दुर्बलदास जी। इस वक्त के बाजार में किसके पास फालतू रुपए रखे हुए हैं। भीमचंद, सो तो ठीक है, बाजार की ऐसी मंदी तो कभी देखी नहीं, पर निवाह तो करना चाहिए। कुबेरदास अकड़ गए। वह सुशीला के मकान पर दांत लगाए हुए थे। ऐसी बातों से उनके स्वार्थ में बाधा पड़ती थी। वह अपने रुपए अब वसूल करके छोड़ेंगे। भीमचंद ने उन्हें किसी तरह सचेत किया, लेकिन भोज तो देना ही पड़ेगा। उस कर्तव्य का पालन न करना समाज की नाक कटाना है। सुशीला ने दुर्बलदास में सहृदयता का आभास देखा। उनकी ओर दीन नेत्रों से देखकर बोली, मैं आप लोगों से बाहर थोड़े ही हूँ, आप लोग मालिक हैं, जैसा उचित समझें वैसा करें। दुर्बलदास, तेरे पास कुछ थोड़े बहुत गहने तो होंगे भाई। हाँ गहने हैं, आधे तो बीमारी में बिक गए, आधे बचे हैं। सुशीला ने सारे गहने लाकर पंचों के सामने रख दिए, पर यह तो मुश्किल से 3,000 रुपये में उठेंगे। दुर्बलदास ने पोटली को हाथ में तौल कर कहा, 3,000 को कैसे जाएंगे, मैं 3,500 दिला दूंगा। भीमचंद ने फिर पोटली को तौल कर कहा, मेरी बोली 4,000 की है। कुबेरदास को मकान की बिक्री का प्रसंग छेड़ने का अवसर फिर मिला। 4,000 में ही क्या हुआ जाता है, बिरादरी का भोज है या दोष मिटाना है। बिरादरी में कम से कम 10,000 का खर्चा है, मकान तो निकालना ही पड़ेगा। संतलाल ने ओठ चबाकर कहा, मैं कहता हूँ आप लोग क्या इतने निर्दयी हैं। आप लोगों को अनाथ बालकों पर भी दया नहीं आती, क्या उन्हें रास्ते का भिखारी बनाकर छोड़ेंगे। लेकिन संतलाल की फरियाद पर किसी ने ध्यान न दिया। मकान की बातचीत अब नहीं टाली जा सकती थी। बाजार मंदा है, 30,000 से बेसी नहीं मिल सकते। 15,000 तो कुबेरदास के हैं, 5,000 बचेंगे, 4,000 गहनों से आ जाएंगे। इस तरह 9,000 में बड़ी किफ़ायत से ब्रह्मभोज और बिरादरी भोज दोनों निपटा दिए जाएंगे। सुशीला ने दोनों बालकों को सामने करके करबद्ध होकर कहा, पंचों मेरे बच्चों का मुंह देखिए, मेरे घर में जो कुछ है वह आप ले लीजिए, लेकिन मकान छोड़ दीजिए, मुझे कहीं ठिकाना न मिलेगा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, मकान इस समय न बेचें। इस मूर्खता का क्या जवाब दिया जाए। पंच लोग तो खुद चाहते थे कि मकान न बेचना पड़े, उन्हें अनाथों से कोई दुश्मनी नहीं थी, किंतु बिरादरी का भोज और किस तरह किया जाए। अगर विधवा कम से कम 5,000 रुपये का जुगाड़ कर दे तो मकान बच सकता है, पर वह ऐसा नहीं कर सकती, तो मकान बेचने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। कुबेर ने अंत में कहा, देख भाई, बाजार की दशा इस समय खराब है, रुपए किसी से उधार नहीं मिल सकते। बाल बच्चों के भाग में लिखा होगा तो भगवान और किसी हीले से देगा, हीले रोजी बहाने मौत। बाल बच्चों की चिंता मत कर, भगवान जिसको जन्म देते हैं उसकी जीविका की जुगत पहले से ही कर देते हैं। हम तुमको समझा कर हार गए, अगर तू अपना हट नहीं छोड़ेगी तो हम बात भी न पूछेंगे, फिर यहाँ तेरा रहना मुश्किल हो जाएगा, शहर वाले तेरे पीछे पड़ जाएंगे। विधवा सुशीला अब और क्या करती, पंचों से लड़कर वह कैसे रह सकती थी। पानी में रहकर मगर से कौन बैर कर सकता है। घर में जाने के लिए उठी, पर वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। अभी तक आशा संभाले हुए थी, बच्चों के पालन पोषण में वह अपना वैभव भूल सकती थी, पर अब तो चारों ओर अंधकार था। सेठ रामनाथ के मित्रों का उनके घर पर पूरा अधिकार था, मित्रों का अधिकार न हो तो किसका हो, स्त्री कौन होती है। जब वह इतनी मोटी सी बात नहीं समझती कि धूमधाम से दिल खोलकर बिरादरी करना लाजमी है, तो उससे और कुछ कहना व्यर्थ है। गहने कौन खरीदे, भीमचंद 4,000 दाम लगा चुके थे, लेकिन अब उन्हें मालूम हुआ कि उनसे भूल हुई थी। दुर्बलदास ने 3,000 लगाए थे, इसलिए सौदा इन्हीं के हाथ हुआ। इस बात पर दुर्बलदास और भीमचंद में तकरार भी हो गई, लेकिन भीमचंद को मुँह की खानी पड़ी, न्याय दुर्बल के पक्ष में था। धनीराम ने कटाक्ष किया, देखो दुर्बलदास,
माल तो ले जाते हो पर 3000 से बेसी का है, मैं नीति की हत्या न होने दूंगा। कुबेरदास बोले, अजीत तो घर में ही तो है, कहीं बाहर तो नहीं गया, एक दिन मित्रों की दावत हो जाएगी। इस पर चारों महानुभाव हंसे। इस काम से फुर्सत पाकर अमकान का प्रश्न उठा। कुबेरदास 30000 देने पर तैयार थे, पर कानूनी कार्रवाई किए बिना संदेह की गुंजाइश थी। यह गुंजाइश क्यों कर रखी जाए? एक दलाल बुलाया गया, नाटा सा आदमी था, पोपला मुंह, कोई 50 की अवस्था, नाम था चोखेलाल। कुबेरदास ने कहा, चोखेलाल जी से हमारी 30 साल की दोस्ती है, आदमी क्या रतन है। भीमचंद, देखो चोखेलाल, हमें यह मकान बेचना है, इसके लिए कोई अच्छा ग्राहक लाओ, तुम्हारी दलाली पक्की। कुबेरदास, बाजार का हाल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यह तो देखना पड़ेगा कि रामनाथ के बाल बच्चों को टोटा न हो, उसके कान में 30 से आगे न जाना। भीमचंद, देखिए कुबेरदास, ये अच्छी बात नहीं है। कुबेरदास, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा था कि अच्छे दाम लगवाना। चोखेलाल, आप लोगों को मुझसे कहने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना धर्म समझता हूँ, रामनाथ जी मेरे भी मित्र थे, मुझे यह भी मालूम है कि इस मकान के बनवाने में 1 लाख से कम एक पाई भी नहीं लगे, लेकिन बाजार का क्या हाल है, आप लोगों से छिपा है क्या? इस समय इसके 25000 से बेसी नहीं मिल सकते। सुभीते से तो कोई ग्राहक से 10-5000 और मिल जाएंगे, लेकिन इस समय तो कोई ग्राहक भी मुश्किल से मिलेंगे, लो दही और लाव दही की बात है। धनीराम, 25000 रुपये तो बहुत कम हैं भाई, और न सही 30000 रुपये तो करा दो। चोखेलाल, 30 क्या, मैं तो 40 करा दूं, पर कोई ग्राहक तो मिले, आप लोग कहते हैं तो मैं 30000 रुपये की बातचीत करूंगा। धनीराम, जब 30000 में ही देना है तो कुबेरदास जी ही क्यों न ले लें, इतना सस्ता माल दूसरों को क्यों दिया जाए। कुबेरदास, आप सब लोगों की राय हो तो ऐसा ही कर लिया जाए। धनीराम ने हाँ हाँ कहकर हामी भरी। भीमचंद मन में ऐंठ कर रह गए, यह सौदा भी पक्का हो गया। आज ही वकील ने बैनामा लिखा, तुरंत रजिस्ट्री भी हो गई। सुशीला के सामने बैनामा लाया गया तो उसने एक ठंडी सांस ली और सजल नेत्रों से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब उसे उसके सिवाय और कहीं शरण नहीं है। बेवफा मित्र की भांति यह घर भी सुख के दिनों में साथ देकर दुख के दिनों में उसका साथ छोड़ रहा है। पंच लोग सुशीला के आंगन में बैठे बिरादरी के रुक के लिख रहे हैं, और अनाथ विधवा ऊपर झरोखों पर बैठी भाग्य को रो रही है। इधर रुक्का तैयार हुआ, उधर विधवा की आंखों से आंसू की बूंदें निकलकर रुक्के पर गिर पड़ी। धनीराम ने ऊपर देखकर कहा, पानी का छींटा कहाँ से आया? संतलाल, बाई बैठी रो रही है, उसने रुक्के पर अपने रक्त के आंसुओं की मुहर लगा दी है। धनीराम ऊंचे स्वर में, अरे तो तू रो क्यों रही है बाई, यह रोने का समय नहीं है, तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि पंच लोग तेरे घर में आज ये शुभ कार्य करने के लिए जमा हैं। जिस पति के साथ तूने इतने दिनों भोग विलास किया, उसी का पीछा सुधारने में तू दुख मनाती है। बिरादरी में रुक्का फिरा, इधर 3-4 दिन पंचों ने भोज की तैयारियों में बिताए। घी धनी राम जी की आड़त से आया, मैदा चीनी की आड़त भी उन्हीं की थी। 5वें दिन प्रातःकाल ब्रह्म भोज हुआ। संध्या समय बिरादरी का ज्योनार सुशीला के द्वार पर बग्गियों और मोटरों की कतारें खड़ी थी। भीतर मेहमानों की पंगतें थी, आंगन बैठक दालान बरोठा, ऊपर की छत नीचे ऊपर मेहमानों से भरा हुआ था। लोग भोजन करते थे और पंचों को सराहते थे। खर्च तो सभी करते हैं पर इंतजाम का सलीका चाहिए, ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ बहुत कम खाने में आते हैं। सेठ चंपा राम के भोज के बाद ऐसा भोज रामनाथ जी का ही हुआ है। अमृतियाँ कैसी कुरकुरी हैं, रसगुल्ले मेवों से भरे हैं, सारा श्रेय पंचों को है। धनी राम ने नम्रता से कहा, आप भाइयों की दया है जो ऐसा कहते हो। रामनाथ से भाईचारे का व्यवहार था,
हम न करते तो कौन करता। चार दिन से सोना नसीब नहीं हुआ। आप धन्य हैं, मित्र हों तो ऐसे हों, क्या बात है। आपने रामनाथ जी का नाम रख लिया। बिरादरी यही खाना खिलाना देखती है, रोकड़ देखने नहीं जाती। मेहमान लोग बखान बखान कर माल उड़ा रहे थे और उधर कोठरी में बैठी हुई सुशीला सोच रही थी, संसार में ऐसे स्वार्थी लोग हैं, सारा संसार स्वार्थमय हो गया है, सब पेटों पर हाथ फेर फेर कर भोजन कर रहे हैं, कोई इतना भी नहीं पूछता कि अनाथों के लिए कुछ बचा या नहीं। एक महीना गुजर गया। सुशीला को एक एक पैसे की तंगी हो रही थी, नगद था ही नहीं, गहने निकल ही गए थे, अब थोड़े से बर्तन बच रहे थे, उधर छोटे छोटे बहुत से बिल चुकाने थे, कुछ रुपए डॉक्टर के, कुछ दर्जी के, कुछ बनियों के। सुशीला को ये रकमें घर का बचा खुचा सामान बेचकर चुकानी पड़ी और महीना पूरा होते होते उसके पास कुछ न बचा। बेचारा संतलाल एक दुकान पर मुनीम था, कभी कभी वह आकर एक आध रुपया दे देता। इधर खर्च का हाथ फैला हुआ था, लड़के अवस्था को समझते थे, माँ को छेड़ते न थे, पर मकान के सामने से कोई खोचे वाला निकल जाता और वे दूसरे लड़कों को फल या मिठाइयाँ खाते देखते तो उनके मुंह में पानी भर कर आँखों में आ जाता था। ऐसी ललचाई हुई आँखों से ताकते थे कि दया आती थी। वही बच्चे जो थोड़े दिन पहले मेवे मिठाई की ओर ताकते न थे, अब एक एक पैसे की चीज़ को तरसते थे। वही सज्जन जिन्होंने बिरादरी का भोज करवाया था, अब घर के सामने से निकल जाते पर कोई झांकता न था। शाम हो गई थी। सुशीला चूल्हा जलाए रोटियां सेक रही थी और दोनों बालक चूल्हे के पास रोटियां को क्षुधित नेत्रों से देख रहे थे। चूल्हे के दूसरे एले पर दाल थी, दाल के पकने का इंतजार था। लड़की 11 साल की थी, लड़का 8 साल का। मोहन अधीर होकर बोला, अम्मा मुझे रूखी रोटियां ही दे दो, बड़ी भूख लगी है। सुशीला, अभी दाल कच्ची है भैया। रेवती, मेरे पास एक पैसा है, मैं उसका दही ले आती हूँ। सुशीला, तूने पैसा कहाँ पाया? रेवती, मुझे कल अपनी गुड़ियों की पेटारी में मिल गया था। सुशीला, लेकिन जल्द आइयो। रेवती दौड़कर बाहर गई और थोड़ी देर में एक पत्ते पर जरा सा दही ले आई। माँ ने रोटी सेक कर दे दी, दही से खाने लगा। आम लड़कों की भांति वह भी स्वार्थी था, बहन से पूछा भी नहीं। सुशीला ने कड़ी आँखों से देखकर कहा, बहन को भी दे दे, अकेला ही खा जाएगा। मोहन लज्जित हो गया, उसकी आँखें डबडबा आईं। रेवती बोली, नहीं अम्मा, कितना मिला ही है, तुम खाओ मोहन, तुम्हें जल्दी नींद आ जाती है, मैं तो दाल पक जाएगी तो खाऊंगी। उसी वक्त दो आदमियों ने आवाज़ दी। रेवती ने बाहर जाकर पूछा, यह सेठ कुबेर दास जी के आदमी थे, मकान खाली कराने आए थे। क्रोध से सुशीला की आंखें लाल हो गईं। परोठे में आकर कहा, अभी मेरे पति को मरे हुए महीना भर भी नहीं हुआ, मकान खाली कराने की धुन सवार हो गई। मेरा 50,000 का घर 30,000 में ले लिया, 5,000 सूद के उड़ाए, फिर भी तसल्ली नहीं हुई। कह दो मैं अभी खाली नहीं करूँगी। मुनीम ने नम्रता से कहा, भाई जी मेरा क्या अख्तियार है, मैं तो केवल संदेशिया हूँ, जब चीज़ दूसरे की हो गई तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी। झंझट करने से क्या मतलब। सुशीला भी समझ गई, ठीक ही कहता है, गाय हत्या के बल कै दिन खेत चरेगी। नर्म होकर बोली, सेठ जी से कहो मुझे 10-5 दिन की मोहलत दें। लेकिन नहीं, कुछ मत कहो, क्यों 10-5 दिन के लिए किसी का एहसान लूँ, मेरे भाग्य में इस घर में रहना लिखा होता तो निकलता ही क्यों। मुनीम ने पूछा, तो कल सवेरे तक खाली हो जाएगा? सुशीला, हाँ हाँ कहती तो हूँ, लेकिन सवेरे तक क्यों, मैं अभी खाली किए देती हूँ। मेरे पास कौन सा बड़ा सामान ही है, तुम्हारे सेठ जी का रात भर का किराया मारा जाएगा, जाकर ताला वाला लाओ या लाए हो। मुनीम, ऐसी क्या जल्दी है भाई, कल सावधानी से खाली कर दीजिएगा। सुशीला, कल का झगड़ा क्या रखूं। मुनीम जी आप जाइए, ताला लाकर डाल दीजिए। यह कहती हुई सुशीला अंदर गई
बच्चों को भोजन कराया, एक रोटी आप किसी तरह निगली, बर्तन धोए, फिर एक एक्का मंगवा कर उस पर अपना मुख्तसर सामान लादा और भारी हृदय से उस घर से हमेशा के लिए विदा हो गई। जिस वक्त यह घर बनवाया था मन में कितनी उमंगें थीं। इसके प्रवेश में कई हजार ब्राह्मणों का भोज हुआ था। सुशीला को इतनी दौड़ धूप करनी पड़ी थी कि वह महीने भर बीमार रही। इसी घर में उसके दो लड़के मरे थे, यहीं उसका पति मरा था। मरने वालों की स्मृतियां ने उसकी एक एक ईंट को पवित्र कर दिया था। एक एक पत्थर मानो उसके हर्ष से खुशी और उसके शोक से दुखी होता था। वह घर आज उससे छूटा जा रहा है। उसने रात एक पड़ोसी के घर में काटी और दूसरे दिन 10 रुपये महीने पर एक गली में दूसरा मकान ले लिया। इस नए कमरे में इन अनाथों ने 3 महीने जिस कष्ट से काटे वो समझने वाला ही समझ सकता है। भला हो बेचारे संतलाल का, वह 10-5 रुपये से मदद कर दिया करता था। अगर सुशीला दरिद्र घर की होती तो पिसाई करती, कपड़े सीती, किसी के घर में टहल करती, पर जिन कामों को बिरादरी नीचा समझती है उनका सहारा कैसे लेती। नहीं तो लोग कहते यह सेठ रामनाथ की स्त्री है। उस नाम की भी तो लाज रखनी है थी। समाज के चक्रव्यूह से किसी तरह तो छुटकारा नहीं होता। लड़की के 2-1 गहने बच रहे थे, वह भी बिक गए। जब रोटियों के ही लाले थे तो घर का किराया कहाँ से आता। 3 महीने बाद घर का मालिक, जो उसी बिरादरी का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और जिसने मृतक भोज में खूब बढ़ कर हाथ मारे थे, अधीर हो उठा। बेचारा कितना धैर्य रखता। 30 रुपये का मामला है, ₹8 आने की बात है नहीं। इतनी बड़ी रकम नहीं छोड़ी जाती। आखिर एक दिन सेठ जी ने आकर लाल लाल आंखें करके कहा, अगर तू किराया नहीं दे सकती तो घर खाली कर दे। मैंने बिरादरी के नाते इतनी मुरव्वत की, अब किसी तरह काम नहीं चल सकता। सुशीला बोली, सेठ जी मेरे पास रुपए होते तो पहले आपका किराया देकर तब पानी पीती। आपने इतनी मुरव्वत की, इसके लिए मेरा सिर आपके चरणों पर है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। यह समझ लीजिए कि एक भाई के बाल बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, और क्या कहूँ। सेठ चल चल, इस तरह की बातें बहुत सुन चुका। बिरादरी का आदमी है तो उसे चूस लो। कोई और होता तो उसके चुपके से महीने महीने दे देती, नहीं तो उसने निकाल बाहर किया होता। मैं बिरादरी का हूँ इसलिए मुझे किराया देने की दरकार नहीं, मुझे मांगना ही नहीं चाहिए। यही तो बिरादरी के साथ करना चाहिए। इसी समय रेवती भी आकर खड़ी हो गई। सेठ जी ने उसे सिर से पांव तक देखा, तब किसी कारण से बोले, अच्छा यह लड़की तो सयानी हो गई, कहीं इसकी सगाई की बातचीत नहीं की। रेवती तुरंत भाग गई। सुशीला ने इन शब्दों में आत्मीयता की झलक पाकर पुलकित कंठ से कहा, अभी तो कहीं बातचीत नहीं हुई सेठ जी, घर का किराया तक तो अदा नहीं कर सकती, सगाई क्या करूँगी, फिर अभी छोटी भी तो है। सेठ जी ने तुरंत शास्त्रों का आधार दिया, कन्याओं के विवाह की यही अवस्था है, धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, किराए की कोई बात नहीं। हमें क्या मालूम था कि सेठ रामनाथ के परिवार की यह दशा है। सुशीला, तो आपकी निगाह में कोई अच्छा घर है? यह तो आप जानते ही हैं, मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं है। झाबरमल, इन सेठ जी का यही नाम था, लेने देने का कोई झगड़ा नहीं होगा भाई जी, ऐसा घर है कि लड़की आजीवन सुखी रहेगी, लड़का भी उसके साथ रह सकता है, कुल का सच्चा हर तरह से संपन्न परिवार है। हाँ वह दूजवर है। सुशीला, उम्र अच्छी होनी चाहिए, दोहाजू होने से क्या होता है? झाबरमल, उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं, अभी 40वां ही साल है, पर देखने में अच्छा हष्टपुष्ट है। मर्द की उम्र उसका भोजन है, बस यह समझ लो कि परिवार का उद्धार हो जाएगा। सुशीला ने अनिच्छा के भाव से कहा, अच्छा मैं सोच कर जवाब दूंगी, एक बार मुझे दिखा देना। झाबरमल, दिखाने को कहीं नहीं जाना है भाई, वह तो तेरे सामने ही खड़ा है। सुशीला ने घृणापूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखा। इस 50 साल के बुढ़े की यह हवस? छाती का मांस लटककर
नाभि तक आ पहुंचा है, फिर भी विवाह की धुन सवार है। यह दुष्ट समझता है कि प्रलोभनों में पढ़कर मैं अपनी लड़की उसके गले बांध दूंगी। वह अपनी बेटी को आजीवन कंवारी रखेगी, पर ऐसे मृतक से विवाह करके उसका जीवन नष्ट न करेगी। पर उसने अपने क्रोध को शांत किया, समय का फेर है, नहीं तो ऐसों को उससे ऐसा प्रस्ताव करने का साहस ही क्यों होता। बोली, आपकी इस कृपा के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ सेठ जी, पर मैं कन्या का विवाह आपसे नहीं कर सकती। झाबरमल, तो और क्या तू समझती है कि तेरी कन्या के लिए बिरादरी में कोई कुमार मिल जाएगा? सुशीला, मेरी लड़की कंवारी रहेगी। झाबरमल, और रामनाथ जी के नाम को कलंकित करेगी? सुशीला, तुम्हें मुझसे ऐसी बातें करते लाज नहीं आती? नाम के लिए घर खोया, संपत्ति खोई, पर कन्या कुएं में नहीं डुबा सकती। झाबरमल, तो मेरा किराया दे दो। सुशीला, अभी मेरे पास रुपए नहीं हैं। झाबरमल ने भीतर घुसकर गृहस्थी की एक एक वस्तु निकालकर गली में फेंक दी। घड़ा फूट गया, मटके टूट गए, संदूक के कपड़े बिखर गए। सुशीला तटस्थ खड़ी अपने अधीन की यह क्रूर क्रीड़ा देखती रही। घर का यो विध्वंस करके झाबरमल ने घर में ताला डाल दिया और अदालत से रुपए वसूल करने की धमकी देकर चले गए। बड़ों के पास धन होता है, छोटों के पास हृदय होता है। धन से बड़े बड़े व्यापार होते हैं, बड़े बड़े महल बनते हैं, नौकर चाकर होते हैं, सवारी शिकारी होती है, हृदय से संवेदना होती है, आंसू निकलते हैं। उसी मकान से मिली हुई एक साग भाजी बेचने वाली खटकिन की दुकान थी। वृद्धा विधवा निपुती स्त्री थी। बाहर से आग, भीतर से पानी। झाबरमल को सैकड़ों सुनाई और सुशीला की एक एक चीज़ उठाकर अपने घर में ले गई। मेरे घर में रहो बहू, मरौवत में आज गई नहीं तो उसकी मूछें उखाड़ लेती। मौत सिर पर नाच रही है, आगे नाथ न पीछे पगहा, और धन के पीछे मरा जाता है। जाने छाती पर लाद कर ले जाएगा। तुम चलो मेरे घर में रहो, मेरे यहाँ किसी बात का खटका नहीं, बस मैं अकेली हूँ, एक टुकड़ा मुझे भी दे देना। सुशीला ने डरते डरते कहा, माता, मेरे पास शेर भर आटे के सिवा और कुछ नहीं है, मैं तुम्हें किराया कहाँ से दूंगी। बुढ़िया ने कहा, मैं झाबरमल नहीं हूँ बहू, न कुबेरदास हूँ, मैं तो समझती हूँ जिंदगी में सुख भी है दुख भी है, सुख में इतराओ मत, दुख में घबराओ मत। तुम्हें से चार पैसे कमाकर अपना पेट पालती हूँ। तुम्हें उस दिन भी देखा था जब तुम महल में रहती थी, और आज भी देख रही हूँ जब तुम अनाथ हो। जो मिजाज तब था वही अब है। मेरे धन्य भाग कि तुम मेरे घर में आओ, मेरी आंखें फूटी हैं जो तुमसे किराया मांगने जाऊंगी। इन संतावना से भरे हुए सरल शब्दों ने सुशीला के हृदय का बोझ हल्का कर दिया। उसने देखा, सच्ची सज्जनता भी दरिद्रों और नीचों ही के पास रहती है। बड़ों की दया भी होती है अहंकार का दूसरा रूप। इस खटकिन के साथ रहते हुए सुशीला को 6 महीने हो गए थे। सुशीला का उससे दिन दिन स्नेह बढ़ता जाता था। वह जो कुछ पाती लाकर सुशीला के हाथ में रख देती। दोनों बालक उसकी दो आँखें थी। मजाल न थी कि पड़ोस का कोई आदमी उन्हें कड़ी आँखों से देख ले। बुढ़िया दुनिया सिर पर उठा लेती। संतलाल हर महीने कुछ न कुछ दे दिया करता था, इससे रोटी दाल चल जाती थी। कार्तिक का महीना था, ज्वर का प्रकोप हो रहा था। मोहन एक दिन खेलता कूदता बीमार पड़ गया और 3 दिन तक अचेत पड़ा रहा। ज्वर इतने जोर का था कि पास खड़े रहने से लपट सी निकलती थी। बुढ़िया ओझे सयाने के पास दौड़ती फिरती, पर ज्वर उतरने का नाम न लेता। सुशीला को भय हो रहा था यह टाइफाइड है, इससे उसके प्राण सूख रहे थे। 4th दिन उसने रेवती से कहा, बेटी, तूने बड़े पंच जी का घर तो देखा है, जाकर उनसे कह भैया बीमार है, कोई डॉक्टर भेज दें। रेवती को कहने भर की देरी थी, दौड़ती हुई सेठ कुबेरदास के पास गई। कुबेरदास बोले, डॉक्टर की फीस 16 रुपए है, तेरी माँ दे देगी? रेवती ने निराश होकर कहा, अम्मा के पास रुपए कहाँ हैं। कुबेरदास, तो फिर किस मुंह से डॉक्टर को बुलाती है? तेरा मामा कहाँ है?
उनसे जाकर कहे सेवा समिति से कोई डॉक्टर बुला ले आए, नहीं तो खैराती अस्पताल में क्यों नहीं लड़के को ले जाती, या अभी वही पुरानी बू समाई हुई है, कैसी मूर्ख स्त्री है, घर में टका नहीं और डॉक्टर का हुक्म लगा दिया। समझती होगी फीस पंच जी दे देंगे। पंच जी क्यों फीस दें, बिरादरी का धन धर्म कार्य के लिए है, ये उड़ाने के लिए नहीं। रेवती माँ के पास लौटी पर जो कुछ सुना था वह उससे कह न सकी। घाव पर नमक क्यों छिड़के, बहाना कर दिया बड़े पंच जी कहीं गए हैं। सुशीला तो मुनीम से क्यों नहीं कहा, यहाँ क्या कोई मिठाई खाए जाता था, जो दौड़ी चली आई। इसी वक्त संतलाल एक वैद्य जी को लेकर आ पहुँचा। वैद्य भी एक दिन आकर दूसरे दिन न लौटे। सेवा समिति के डॉक्टर भी दो दिन बड़ी मिन्नतों से आए, फिर उन्हें भी अवकाश न रहा और मोहन की दशा दिनों दिन बिगड़ती जाती थी। महीना बीत गया पर ज्वर ऐसा चढ़ा कि एक क्षण के लिए भी न उतरा। उसका चेहरा इतना सूख गया था कि देखकर दया आ जाती थी। न कुछ बोलता न कहता, यहाँ तक कि करवट भी न बदल सकता था। पड़े पड़े देह की खाल फट गई, सिर के बाल गिर गए, हाथ पांव लकड़ी हो गए। संतलाल काम से छुट्टी पाता तो आ जाता, पर इससे क्या होता, तीमारदारी दवा तो नहीं है। एक दिन संध्या समय उसके हाथ ठंडे हो गए, माता के प्राण पहले ही सूखे हुए थे। यह हाल देखकर रोने पीटने लगी। मिन्नतें तो बहुतेरे हो चुकी थी। रोती हुई मोहन की खाट के साथ फेरे करके हाथ बांध कर बोली, भगवान यही मेरे जन्म की कमाई है, अपना सर्वस्व खोकर भी मैं बालक को छाती से लगाए हुए संतुष्ट थी, लेकिन यह चोट न सही जाएगी, तुम इसे अच्छा कर दो, इसके बदले मुझे उठा लो, बस मैं यही दया चाहती हूँ, दया। मैं संसार के रहस्य को कौन समझ सकता है, क्या हम में से बहुतों को यह अनुभव नहीं कि जिस दिन हमने बेईमानी करके कुछ रकम उड़ाई उस दिन उस रकम का दुगना नुकसान हो गया। सुशीला को उसी दिन रात को ज्वर आ गया और उसी दिन मोहन का ज्वर उतर गया। बच्चे की सेवा में आधी तो यों ही रह गई थी। इस बीमारी ने ऐसा पकड़ा कि फिर न छोड़ा। मालूम नहीं देवता बैठे सुन रहे थे या क्या। उसकी याचना पूरी हुई। 15वें दिन मोहन चरपाई से उठकर माँ के पास आया और उसकी छाती पर सिर रख कर रोने लगा। माता ने उसके गले में बाहें डालकर उसे छाती से लगा लिया और बोली, क्यों रोते हो बेटा, मैं अच्छी हो जाऊंगी, अब मुझे क्या चिंता, भगवान पालने वाले हैं, वही तुम्हारे रक्षक हैं, वही तुम्हारे पिता हैं, अब मैं सब तरफ से निश्चिंत हूँ, जल्द अच्छी हो जाऊंगी। मोहन बोला, जिया तो कहती है अम्मा अब अच्छी न होगी। सुशीला ने बालक का चुंबन लेकर कहा, जिया पगली है, उसे कहने दो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगी, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ, जिस दिन तुम कोई अपराध करोगे, किसी की कोई चीज़ उठा लोगे, उसी दिन मैं मर जाऊंगी। मोहन ने प्रसन्न होकर कहा, तो तुम मेरे पास से कभी नहीं जाओगी माँ। सुशीला ने कहा, कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। उसी रात को दुख और विपत्ति की मारी हुई यह अनाथ विधवा दोनों अनाथ बालकों को भगवान पर छोड़कर परलोक सिधार गई। इस घटना को 3 साल हो गए। मोहन और रेवती दोनों उसी वृद्धा के पास रहते हैं। बुढ़िया माँ तो नहीं है, लेकिन माँ से बढ़कर है। रोज़ मोहन को रात की रखी रोटियाँ खिलाकर गुरुजी की पाठशाला में पहुँचा आती है। छुट्टी के समय जाकर लेवा लाती है। रेवती का अब 14वां साल है। वह घर का सारा काम पीसना कूटना चौका बर्तन झाड़ू बहारू करती है। बुढ़िया सौदा बेचने चली जाती है तो वह दुकान पर भी आ बैठती है। एक दिन बड़े पंच सेठ कुबेर दास ने उसे बुला भेजा और बोले, तुझे दुकान पर बैठते शर्म नहीं आती, सारी बिरादरी की नाक कटा रही है, खबरदार जो कल से दुकान पर बैठी। मैंने तेरा पणिग्रहण के लिए झाबरमल जी को पक्का कर लिया है। सेठानी ने समर्थन किया, तू अब सयानी हुई बेटी, अब तेरा इस तरह बैठना अच्छा नहीं, लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, सेठ झाबरमल तो राजी ही न होते, हमने बहुत कह सुनकर राजी किया है, बस समझ ले कि
रानी हो जाएगी। लाखों की संपत्ति है, लाखों की, तेरे धन्य भाग की ऐसा वर मिला। तेरा छोटा भाई है, उसको भी कोई दुकान करा दी जाएगी। सेठ बिरादरी की कितनी बदनामी है, सेठानी है ही। रेवती ने लज्जित होकर कहा, मैं क्या जानूं, आप मामा से कहें। सेठ वह कौन होता है, टके पर मुनीमी करता है, उससे मैं क्या पूछूं। मैं बिरादरी का पंच हूं, मुझे अधिकार है जिस काम से बिरादरी का कल्याण देखूं वह करूं। मैंने और पंचों से राय ले ली है, सब मुझसे सहमत हैं। अगर तू यो न मानेगी तो हम अदालती कार्रवाई करेंगे। तुझे खर्च बरच का काम होगा या लेती जा। यह कहते हुए उन्होंने 20 रुपये के नोट रेवती की तरफ फेंक दिए। रेवती ने उठाकर वही पुर्जे पुर्जे कर डाले और तमतमाए मुख से बोली, बिरादरी ने तब हम लोगों की बात न पूछी जब हम रोटियों को मोहताज थे। मेरी माता मर गई, कोई झांकने तक न आया। मेरा भाई बीमार हुआ, किसी ने खबर तक न ली। ऐसी बिरादरी की मुझे परवाह नहीं। रेवती चली गई तो झाबरमल कोठरी से निकल आए, चेहरा उदास था। सेठानी ने कहा, लड़की बड़ी घमंडिन है, आँख का पानी मर गया झाबरमल, 20 रुपये खराब हो गए, ऐसा फाड़ा है कि जुड़ भी नहीं सकते। कुबेरदास तुम घबराओ नहीं, मैं इसे अदालत से ठीक करूँगा। जाती कहाँ है झाबरमल, अब तो आपका ही भरोसा है। बिरादरी के बड़े पंच की बात कहीं मिथ्या हो सकती है। रेवती नाबालिग थी, माता पिता नहीं थे, ऐसी दशा में पंचों का उस पर पूरा अधिकार था। वह बिरादरी के दबाव में नहीं रहना चाहती है, न चाहे। कानून बिरादरी के अधिकार की उपेक्षा नहीं कर सकता। संतलाल ने यह माजरा सुना तो दांत पीस कर बोले, न जाने इस बिरादरी का भगवान कब अंत करेंगे। रेवती, क्या बिरादरी मुझे ज़बरदस्ती अपने अधिकार में ले सकती है। संतलाल, हाँ बेटी, धनकों के हाथ में तो कानून भी है। रेवती, मैं कह दूंगी कि मैं उनके पास नहीं रहना चाहती। संतलाल, तेरे कहने से क्या होगा, तेरे भाग्य में यही लिखा था तो किसका बस है। मैं जाता हूँ बड़े पंच के पास। रेवती, नहीं मामा जी, तुम कहीं ना जाए। जब भाग्य ही का भरोसा है तो जो कुछ भाग्य में लिखा होगा वह होगा। रात तो रेवती ने घर में काटी, बार बार निद्रा मग्न भाई को गले लगाती। यह अनाथ अकेला कैसे रहेगा, यह सोचकर उसका मन कातर हो जाता, पर झाबरमल की सूरत याद करके उसका संकल्प दृढ़ हो जाता। प्रातःकाल रेवती गंगा स्नान करने गई, यह इधर कई महीनों से उसका नित्य का नियम था। आज जरा अंधेरा था, पर यह कोई संदेह की बात न थी। संदेह तब हुआ जब 8 बज गए और वह लौट कर न आई। तीसरे पर सारी बिरादरी में खबर फैल गई, सेठ रामनाथ की कन्या गंगा में डूब गई, उसकी लाश पाई गई। कुबेरदास ने कहा, चलो अच्छा हुआ, बिरादरी की बदनामी तो न होगी। झाबरमल ने दुखी मन से कहा, मेरे लिए अब कोई और उपाय कीजिए। उधर मोहन सिर पीट पीट कर रो रहा था और बुढ़िया उसे गोद में लिए समझा रही थी, बेटा उस देवी के लिए क्यों रोते हो, जिंदगी में उसके दुख ही दुख था, अब वह अपनी माँ की गोद में आराम कर रही है। धन्यवाद।